कुछ दिनों पहले एक खबर तो सुनी ही होगी जहां बातचीत चल रही थी परिवहन की नौकरी की। जी हां, परिवहन की नौकरी की जो आखिरी तारीख थी वो 19 बताई जा रही थी, लेकिन जब ये लास्ट डेट आए थे तब भी इनके फॉर्म जमा नहीं किए गए थे। आज फिर यहां पर सैकड़ों की संख्या में यहां लोग खड़े हैं, फॉर्म जमा करने आए हैं, आज भी फॉर्म जमा नहीं किए गए हैं। जानते हैं बात क्या है सर, क्या कहेंगे, क्या वजह रही होगी? वो सुनी जी, हमें तो बितरे को बढ़न दिए। क्या कह दिया आपको? कह दिया वो कैंसिल कर दी भर्ती। तो आपको इसके बारे में नोटिस दिया गया था या नहीं? ना, शुरू में तो कौन दिया था, आराम से दिया है। कहा जा रहा है कि अखबार में इसका नोटिस दिया गया था। ना, कौन दिया, हमने अखबार ही पढ़ के छुप के छोड़ दिया है। चार दिन हो गए सर, बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये नोटिस तो अभी लगाए मैडम, अभी हमने हड़ताल करी, हम 6 बजे आ रहे हैं, अभी नोटिस इकट्ठे हो गए, हमने ही करवाया, उसने मोर मार के दी है, बाकी कोई नोटिस को नहीं, जिन्हें लेना है वो ले। कौन से गाँव से है? मैं द्वारी नगर से हूँ मैडम, हिसार से ही। हिसार से ही है आप? सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम, अब तक तो कोई नोटिस नहीं था, बट आज सुबह हिसार बस्तर में नोटिस दे दिया गया है, जो भर्ती आला अफसरों ने कैंसिल कर दी गई है। बट इतने लोग परेशान हुए, इतने दिन से यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, काफी टाइम से फॉर्म जमा हो रहे थे, लास्ट डेट पे डिसीजन लेना बहुत गलत है। तो अभी अगर हम बात करें आपकी मांग की, तो आपकी मांग क्या है, अभी आप क्या चाहते हैं? मांग ऐसा है मैम, ये इतने लोग परेशान हुए, गर्मी में अपने घर से निकल कर आए हैं, काफी टाइम से काफी पैसे खर्च भी करे हैं, फॉर्म भी फिल किए हैं, बट अभी जनता को परेशान करने का मतलब क्या बनता है? हिसार से है मैम हम तो। एक बार लाइव तस्वीरें दिखा दे, कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर है, कितने लोग आज यहाँ फॉर्म जमा करने हैं। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैडम जी, तेल फूक कह रहे हैं भाई, कहाँ इतनी दूर तह रहे हैं, तो इन्हें यहाँ है की नोटिस चिपका दिया, तो इन्होंने मना कर दिया भाई, जो फॉर्म है हम जमा नहीं करवाएंगे। अभी क्या प्रोसेस रहने वाले, कहाँ से मिलेगी? इन्होंने अलाउड है नहीं क्या आगे, ये कोई प्रोसीजर नहीं है मैडम जी, हम क्या करेंगे अब, इतनी दूर से तेल फूक कह रहे हैं, तो हम धूप जमा आ रहे हैं, 500 बेरोजगार आदमी है, ये तो है नहीं भाई, हमारे पास बेले हम आएंगे तो रोजगार तो है नहीं, और क्या करें, कहने यहाँ नोटिस चिपका दिया। आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कुछ नहीं, कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, ये है बेरोजगार लोगों का मजाक है, सरकार ये देखना जरूरी है। लेकिन सर अगर इनको बेरोजगार ही रखना होता, आपको रोजगार देना ही नहीं होता, तो क्या तुम फॉर्म निकालते हैं? फॉर्म है, फायदा क्या होगा, फॉर्म का फायदा क्या, निकालने का जमा ही नहीं कर रहे, आज 5 बजे तक टाइम है, यहाँ ले रहे हैं हर एक बड़क पे और किराया बढ़ा, अखबार में है फॉर्म, वहाँ से जो फोटो स्टेट से ले रहे हैं उन पे स्पेशल वो इंडिया दे रखा है, 19 तारीख के 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं फॉर्म। आज अचानक से ही तो सूचना मिली है, किसी को कोई आइडिया था यहाँ पर कि ऐसा होने वाला है? ऐसा कोई जानकारी नहीं, ये चीज यदि इन्होंने करना चाहिए था ना, तो ये सभी के पास नोटिस होता है, मैं भी तोसाम से आया हूँ, तो ये तोसाम में भी वहाँ पर स्टैंड पे बता सकते हैं, आप ये फॉर्म कैंसिल हो गया, आज नहीं भरे जाते, तो वहीं से नहीं आए। ये कंडक्टर की थी, ड्राइवर की थी और कुछ एक हेल्पर की थी, आज लास्ट थी, 2-3 दिन पहले आज लास्ट। अब क्या होने वाला है, आपकी मांगे क्या, क्या बोलेंगे आगे, तो पता नहीं आगे की कार्रवाई, अभी तक तो अभी स्थगित करी गई, आगे जो नोटिस आएगा उसके लिए फिलहाल। कम से कम लगभग कितनी भीड़ यहाँ पर होगी, आपको अंदाजा है इसका? काफी है जी, 2-3 जा रखी है। सर आप क्या कहेंगे इसको लेकर? कहना क्या था, देखो सुबह आए थे कितने बच्चे, हम तो सुबह 8 बजे से आए हुए हैं और यहाँ पे आके अचानक नोटिस लगा दिया भाई ये बंद है। यहाँ पर सिर्फ हिसार के बच्चे ही मौजूद हैं या कहीं बाहर से? नहीं नहीं, भिवानी से आ रखे, बाहर से आ रखे, दूर दूर से आए, जींद से आए हैं, लगभग जो हिसार के आसपास लगते हैं उन वहाँ से सबसे आए हुए हैं और यहाँ पे अचानक देख लिया। बाकी अब ये अचानक से ऐसी समस्या कैसे, कोई तो वजह होगी इसकी, क्या कहा मैम ने, क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन कुछ नहीं दिया, बोले कैंसिल कर दी गई है और अचानक से नोटिस लगा दिया, अंदर तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, अभी कुछ नोटिस जारी होता कुछ न्यूज़पेपर में डाल सकते थे, न्यूज पे कैसे, बहुत तरीके है आज तो न्यूज़पेपर में, सुबह सुबह डाल दिया गया था कि आपने अखबार नहीं पढ़ा? नहीं सुबह, नहीं नहीं सुबह वाले में तो नहीं आया, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले जब एक अखबार में देखा गया, तो उसमें दिखाई जा रही थी कि आज सुबह आप लोगों को नोटिस दे दिया गया था कि आज आपके फॉर्म नहीं जमा होंगे। ये आज दिया है, फिर भी मानो ये नोटिस अचानक से ही थोड़ी आज वो किया गया है, वो बहुत दिन पहले बताया था कि निकली है फॉर्म, तो लेकिन आज का कैंसिल अचानक से दे दिया। नोटिस को लेकर अभी वापस घर जाने वाले हैं और उल्टे जाना पड़ा है। फॉर्म की डेट थी जी आज की, कैंसिल कर दिया गया, अभी अभी अचानक गया है। कितनी दूर से आए आप? जींद से आ रहे। जींद से यहाँ पर आए हुए, क्या आपको अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, कोई अंदाजा नहीं था। अभी आप लोगों की मांगे क्या है? अभी हमारे फॉर्म जमा किए जाओ और हमारा काम नौकरी दिलाई जाए बेरोजगारी की। तो शाम 5 बजे तक का टाइम है, क्या आपको लगता है आपके फॉर्म अगर आप
लोग इस तरह से बैठे रहे, धरना करते हैं, कुछ करते हैं तो आपके फॉर्म जमा हो जाएंगे? नहीं मैम, ये जमा नहीं हो सकता है क्योंकि ये रद्द कर दिए हैं और अधिकारी कह रहे हैं हमारे पास ऑफिशियल कोई भी नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हो गई है। लेकिन इनकी एक डेट भी नहीं थी, कई 15 तारीख तक थी, कई 16 तारीख तक थी, लेकिन यहाँ 19-20 तारीख तक थी, यहाँ आज क्या है? आपके फॉर्म जो आप कह रहे हैं कि रद्द कर दिए गए हैं, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी अभी या नहीं? कार्रवाई तो मैम गवर्नमेंट करेगी, जो है उनके आदेश चलेंगे, हमारा कौन क्या मानेगा, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? सर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या मांगे इसको लेकर? सुबह से परेशान है यार, 5 बजे से कोई सुनवाई नहीं, कोई अंदर नहीं जाने दे रहा, और क्या मांग रहे हैं सर? आप भी काफी दूर से आए हुए लगते हैं, आपका क्या कहना है? 200 किलोमीटर दूर से आया हूँ। सर आप क्या कहेंगे? ये कहें कोई भी चीज को बंद करता है तो उससे पहले वाले दिन बताओ, फिर अगले दिन पूरे लेके उसके बाद नोटिस बंद कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी की सुबह निकाल दिया और बोलो सब कुछ बंद कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि सबके फॉर्म दिए जाए आज की तारीख के, उसके बाद बंद किया जाए। जब 19 तारीख लास्ट डेट 5 बजे तक लेना चाहिए, उसके बाद बंद करो। ऐसे थोड़ी मनमाओ जीते बंद करते, मनमाओ जीते चालू करते, सरकार या कुछ है नहीं। ये किस जिलों में मैडम इसारी सार की रद्द क्यों करी है? ये सिर्फ इसारी सार की रद्द, इसारी सार की रद्द की है, और बाकी फतेहाबाद सिरसा हर जगह ही फार्म भरे गए हैं मैडम। जिंदगी कोई वजह होगी, आपने अंदर बातचीत की कि क्या वजह है? कुछ वजह नहीं बताई मैडम, जो आगे कार्रवाई बाद में बताएंगे। बेवाणी के चल रहे हैं मैडम, जिंदगी के जमा हो रहे हैं सिरसा के, फतेहाबाद हर डिस्ट्रिक्ट के जमा हो रहे हैं, सिर्फ इसार की बंद करिए। क्या शुक्रिया। कुल मिलाकर बात ये है, यहाँ पर जो सारे लोग मौजूद है बहुत ज्यादा परेशान और मायूस है, क्योंकि काफी दूर से चलकर ये लोग आए हैं। कोई ऑटो से आया है, कोई बाईसाइकिल से आया है, कोई अपनी किसी और व्हीकल से आया है, बहुत ज्यादा तंग होकर यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके फॉर्म नहीं लिए गए, जिसकी आस में वो यहाँ आए थे, उनकी आस अभी भी अधूरी है। खैर बन रही है चार 20 न्यूज के साथ, लाइव तस्वीरें आपको मिलती रहेगी।